वर्ग करने पर, वर्ग किया तो यह हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, स्क्वायर रूट का चिन्ह था, स्क्वायर रूट हट गया और यहां आके हम x प्लस वाई, अब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने में तो पहले y स्क्वायर का y के सापेक्ष करेंगे, y स्क्वायर का y के सापेक्ष अवकलन जो है भाई सौरभ राजपूत बताइए भाई, सौरभ आवाज आ रही सर? हाँ, वाई स्क्वायर का वाई पढ़े नहीं हम, नहीं मालूम है फॉर्मूला, एक्स की घात एन का अवकलन मालूम है बेटा? नहीं सर, आज से ज्वाइन की। चलिए थोड़ा इनको पहले फॉर्मूले, चूंकि बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए थे, अवकलन फर्स्ट ईयर में हो गया था इसलिए, और ना हो तो इनके आज फॉर्मूले देख लीजिए बेटा आज अच्छे से, ठीक है ना? आज इसके फॉर्मूला श्री एम बोलिए भाई, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष अवकलन टू वाई, टू वाई, टू वाई, ठीक, धन्यवाद भाई, वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष टू वाई हो गया, लेकिन फिर वाई का हमें करना किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष, तो पहले तो हम वाई स्क्वायर का यहाँ किया हमने तो टू वाई हो गया, और फिर वाई का एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया, अब यहाँ एक्स का एक्स के सापेक्ष वन हो जाएगा प्लस वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, अब आप देखे डी डी एक्स ऑफ वाई दो जगह आ गया, क्या यार दो जगह डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया, इनको एक साथ ले लीजिए इस तरह पक्षांतरण करने के बाद, टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ भी बोलिए, यहां अब इसमें से हमने कॉमन लिया तो यहां डी डी एक्स ऑफ वाई टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन, यही हमें इसमें देखिए सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, तो इसमें प्रश्नों में मोस्टली हमें यही देखना है कि एक पद रहने देंगे जो अनंत तक जैसे दिया गया, अगले प्रश्न में भी है टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स, तो केवल पहले वाले टेन एक्स को छोड़कर शेष के स्थान पर वही वाई जो दिया गया है रख लेंगे, और इसी तरह से इसे भी कर लेंगे सेम, जो है चूंकि टेन एक्स है यहां जो है एक्स था तो एक्स का वन हो गया, टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स का अवकल गुणांक, बस तो वहां जहां वन आया उसकी जगह जो है सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और शेष वही चीज है यहाँ टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स रूट में रहेगा, तो हम जब मानेंगे टेन एक्स प्लस का जो है यहाँ वाई मानेंगे वर्ग कर देंगे तो यहाँ टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जो है यहाँ ये टेन एक्स प्लस का जो है वाई हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स टू वाई का सेम, बस केवल यहाँ एक की जगह जो है यहाँ एक्स था यहाँ टेन एक्स आएगा और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अवकलन, तो दूसरा प्रश्न भी इस तरह से आप कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न जब आप इसे कर लेंगे तो इसी तरह से आप देखें जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं इनमें दूसरा तीसरा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर जो है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अब तो इनफाइनाइट दिया, तो इनमें भी हम केवल नीचे वाले रूट एक्स को छोड़ेंगे, ऊपर सब में क्या ले लेंगे यही रख देंगे जो है वाई रख देंगे, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर वाई, और रूट एक्स की पावर वाई करेंगे तो फिर हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे जैसे हमने यहां किया वैसे ही दोनों तरफ का वर्क कर लेंगे, वर्क करेंगे तो यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब रूट एक्स को हम एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या जैसे यहां दिया गया, तो रूट एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, और जब रूट एक्स की पावर क्या होगा वाई होगा, क्योंकि हम जो रूट एक्स वाई मान लेंगे अनंत तक दिया गया है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, और इसको हम चूंकि घात की घात है तो गुणा के रूप में एक्स की पावर वाई बटे दो हो गया, अब दोनों तरफ का हमने क्या किया वर्ग कर दिया, जब हमने वर्ग कर दिया ये चूंकि यहां दोनों तरफ का अगर हमने यहां वर्ग कर दिया, इसको हमने रूट एक्स को वाई माना था तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, और यहां तो ये हो गया इसका वर्ग कर देंगे एक्स की पावर वाई वाई टू का जो है होल स्क्वायर, दो घात करेंगे दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर वाई है, और इसके बाद हम इसे जो है
हल कर लेंगे, जैसे हम इसमें करते जा रहे हैं वैसे ही इसको हम हल कर लेंगे। और ये जो दिया गया है हम उसे लगा करके हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में सेम इसी तरह का ये 2015 में पूछा गया है। यहाँ केवल क्या है, इसको सिद्ध करना है। अब जहां घात की घात जो दी जाती है तो उसको हम लॉग लगा के जो है हल कर लेते हैं, क्योंकि जब घात का घात दिया गया है तो हम उसे, जैसे यहां भी दिया गया था तो यहां भी चूंकि y x की पावर y बन जाएगा, लॉग लेंगे तो लॉग लेके हम जो है इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी घात की घात रहेगी तो उसका अवकलन करना संभव नहीं होता। तो लॉग लगा करके ऐसे प्रश्नों में, जैसे आपने तीसरा जो हम बता रहे थे आपको इतना कर लिया, इसके बाद हम जो उसमें लॉग लगा के भी कर सकते हैं, लॉग लेकर के यहां से भी हम सीधा सीधा लॉग लेके कर सकते हैं इसे जो है। दूसरा आप जैसे इतना बनाया हमने, इसको हम लॉग लेके भी बना सकते हैं, जैसे इसमें हमने कोई स्क्वायर अभी नहीं किया है, केवल लॉग ले लेंगे वाई बराबर दिए। ऐसे ही जो है प्रश्न क्रमांक जो आप चौथा देख रहे हैं ये भी, चलिए 2015 में पूछा गया है इसे हम बताते हैं। ये हो गया बेटा सबका? यस सर। किसी को कोई सर किसी को कोई समस्या नहीं सर? नो, सबको समझ आ गया। चलिए फिर हम इसे हटाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, पेज नंबर 288, और इसमें यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर होल पावर साइन एक्स होल पावर साइन एक्स और इस तरह से अनंत की ओर बढ़ते जाते हैं, तो सिद्ध करो कि ddx ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर cot x अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अब देखिए यहां हमने हल में जैसे दिया था वैसे ही हल में यहां हमने लिखा, दिया था वैसे लिख लिया हल में, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स होल पावर साइन एक्स इनफाइनाइट। तो y इज इक्वल टू हमने ऐसे लिखा, और चाहो तो इसे हम यहां बराबर में y की साइन एक्स की पावर y लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स की पावर साइन एक्स अनंत बार, तो अगर हमने एक साइन एक्स नीचे वाला छोड़ा शेष की जगह हमने एक छोड़ करके लिखा अनंत में से, वही मैंने कहा कि अगर एक आध चीज निकाल दिया तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसको हमने साइन एक्स की पावर यहां लिख दिया वाई, क्योंकि वाई बराबर माना था तो वाई हो गया। दोनों पक्षों में हमने लघुगणक लिया, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लिया तो लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लिया तो लघुगणक लेने पर हमने देखा log y इज इक्वल टू log साइन x की पावर y। सूत्र बेटा हम जानते हैं, क्योंकि
लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम होता है। तो ये घात है तो आगे आ गई, और घात आगे आने पर इसे हमने लिख लिया वाई लॉग साइन एक्स, वाई लॉग साइन एक्स लिख लिया हमने। तो वाई लॉग साइन एक्स लिखने पर ये लॉग वाई बराबर है, तो एक्स की जगह क्या है बेटा साइन एक्स, एक्स की जगह पूरा साइन एक्स है। अब हमने यहां डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग वाई का वाई के सापेक्ष, इसमें लॉग वाई का वाई के सापेक्ष अवकलन में ध्रुव त्रिपाठी लॉग वाई का वाई के सापेक्ष वन अपॉन वाई। चलिए बहुत अच्छे, तो लॉग वाई का वाई के सापेक्ष वन अपॉन वाई, फिर वाई का एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, तो वन अपॉन वाई हो गया, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब यहां टू फंक्शंस हो गए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ वन इंटू एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स या यू इंटू बी वाला जो भी समझे आप लिखे उस तरह से, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकल गुणांक धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकल गुणांक, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डी डी एक्स ऑफ जो है एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, ये फॉर्मूला इसमें हम यूज करते हैं। तो यहां हमने पहला फलन y है, दूसरा फलन log sin x है, डी डी एक्स ऑफ जो है log sin x। अब यहां पर हमें ध्यान ये रखना है एक्स की जगह साइन एक्स आया, तो वैसे तो हम लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता ही है, तो इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं रहती। अब यहां प्लस दूसरा लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा, यहां वैसे ही y इंटू लॉग साइन एक्स का पहले हमने किया तो वन अपॉन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो लॉग x की जगह साइन एक्स है तो वन अपॉन साइन एक्स हो गया, फिर साइन एक्स का किया हमने तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और x के सापेक्ष एक होता ही है, ठीक। अब यह वैसे ही का वैसा जैसा लिखा था लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ, और यहां हमने इसे जैसे लिखा था वैसे ही वन अपॉन वाई, अब इसको हम अगले स्टेप में वन अपॉन वाई डी एक्स, इस पद को हम यहां ले आए इसके साथ में, इस पद को हम इसके साथ ले आए, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई वाले पदों को हम एक साथ करेंगे, तो लेकिन पहले हम वाई का इस तरफ गुणा कर लेंगे, या ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस का हम इसको इस तरफ ले आए, माइनस का लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, वाई कॉट एक्स, क्या हो गया इसको कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स हो गया, वाई का गुणा है तो वाई कॉट एक्स बराबर में वाई कॉट एक्स हो गया, और इसमें से डी डी एक्स ऑफ वाई हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर तो यहां जब हम इसको डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने की स्थिति में या इसका हम वाई का पूरे में गुणा कर देते तो बटे वाला वाई इधर से खत्म हो जाएगा, यहां वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां इसके बाद यहां से देखिए अब हम यहां से आगे की ओर या ऊपर मिटा के कर दे तो ऊपर वाला कर लिया क्या, नहीं छोड़िए यहां लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई
वाई का पूरे में गुणा किया तो हमने क्या हो गया यहाँ, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लिया, वाई का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें मल्टीप्लाई करने से या नहीं करते हैं तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई ले लीजिए, बाद में बटे में आएगा तो गुणा हो जाएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो अगर नहीं करते गुणा तो हमने वन अपॉन वाई बचा यहाँ से, और यहां से क्या बचा, माइनस का लॉग साइन एक्स, माइनस का लॉग साइन एक्स बराबर में वाई कोट एक्स। और अब जब हम इसका इसमें भाग देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे इनटू में हम इसके साथ वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स और बटे में क्या हो गया, वाई बराबर वाई कॉट एक्स। अब इस वाई का इसके साथ गुणा हो गया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बटे में भाग देंगे तो यहां डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां देखिए आप तो ये हो गया वाई का वाई में गुणा हुआ तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटे नीचे क्या आ गया, वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स, वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स, वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, सामने देख रहे हैं यही चीज आपको लानी थी, ये सिद्ध हो गया, थिंग्स प्रूव्ड। करिए बेटा जल्दी से, शीघ्रता से करिए इसे। हो गया सर, हो गया सर। चलिए भाई सर, हो गया, बहुत अच्छा भाई। किसी का रह गया है या हो गया सबका? हो गया सर, हो गया सर। इसमें छठवे वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे? छठवे प्रश्न में बेटा बिल्कुल सेम, छठवे प्रश्न में जहां दिया कोसेक्स छोड़ करके शेष रूट कोसेक्स प्लस रूट कोसेक्स है तो प्लस वाई लिख देंगे, बस वाई रूट कोसेक्स प्लस वाई कर लेंगे, दोनों तरफ का वर्क कर देंगे, पहले जैसा ही है या दूसरे जैसा मानिए, दूसरे जैसा बिल्कुल। हाँ सर ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। वाला कौन सा सर? आठवा, आठवा बता दीजिए। आठवा तो हम बताते ही है, और इससे पहले किसी को तो नहीं, तो आठवा तो हम स्वयं बताने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर आठवें सब आ गए, चलिए आठवें बताते हैं, और इसके बाद आज भाई है अटेंडेंस थोड़ा हम लगाएंगे इसके बाद, तो सभी लोग अपना अपना जो है बोलते जाएंगे, कौन है किस नाम से कौन जुड़ा है तो अपना स्पष्ट बता देना हमें, इसको साफ कर दे बेटा, हो गया सर। चलिए प्रश्न संख्या आठ, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो यहां देखिए, यहां हम एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सोन जुड़ता ही जा रहा है हर एक के साथ, तो हम देख रहे हैं इतने इतने हैं, तो सिद्ध करो कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर टू एक्स वाई स्क्वायर
अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। हल में जैसा दिया है वही पहले हमने उतार लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। अब देखे बच्चों यहां हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर में प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को छोड़िए, शेष जहां जहां आया एक्स स्क्वायर प्लस वहां हम वाई लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, अगर इसको लिखा हमने तो यहां y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, यहां जहां लिखा है y लिख दिया हमने, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अनंत बार दिया गया है तो इसमें हमने केवल जैसे हमने आपको बताया अनंत में से कोई चीज एक अगर हमने निकाल ली तो अनंत का कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई हो गया, और इसको हम पूरे में क्या कर देते हैं, इसमें वाई का पूरे में हम गुणा कर लेते हैं, और y का हम पूरे में गुणा करते हैं तो गुणा करने की स्थिति में क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, और यहां क्या बचा रहेगा प्लस का वन। और यदि हम नहीं करते हैं तो भी कोई ऐसा नहीं कि भाई इसमें जो है कोई अंतर आएगा, तो भी आप गुणा नहीं करते हैं तो भी आप डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप गुणा करें तभी आपका आंसर आएगा, डायरेक्ट भी आप अवकलन कर सकते हैं इसका, डायरेक्ट भी इसका अवकलन कर सकते हैं, तो अवकलन करके भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या अलग अलग करना है आप जैसे दिया वैसे ही करना है तो वैसा भी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। एक बटे वाई को हम वाई की पावर माइनस वन लिख लेंगे और तब हम इसका अवकलन करेंगे तो वाई की पावर माइनस वन का वाई के सापेक्ष वाई की पावर माइनस टू हो जाएगा, और माइनस का लगा के माइनस का टू से माइनस का वाई की पावर माइनस टू इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर डी डी एक्स ऑफ वाई है ही, इसके बाद हम इसको इसके साथ ले आते हैं और लास्ट में वाई की पावर माइनस टू है एक बटे वाई स्क्वायर लिख लेंगे, इसके बाद इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो जैसा आपको लगे, आपको पहले गुणा करना हो तो गुणा कर लीजिए, नहीं करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, सीधा हमने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यह इसको हमने y का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ y हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 2x हो गया, प्लस का 1 अपॉन y को हमने कहा 1 अपॉन y, y की पावर माइनस जो है 1 लिख लेते हैं हम इसे, तो y की पावर माइनस 1 का डी डी एक्स ऑफ जो है y की पावर माइनस 1 का, तो y की पावर माइनस 1 का जो हम करेंगे यहां डी डी एक्स ऑफ जो है y की पावर माइनस 1, तो माइनस वन का एक्स के साथ पहले हम वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे और इसके बाद पुनः हम इसका टू एक्स, वाई का वाई के सापेक्ष किया तो माइनस का वाई की पावर माइनस टू, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई लिख लिया। वाई की पावर माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे वाई स्क्वायर, पुनः वैसे ही लिख लेंगे, ऋणात्मक घात है नीचे एक बटे करके लिख देंगे धनात्मक हो जाएगी, और इसको हम पक्षांतरण करके इसके साथ ले आए, पक्षांतरण करके सारी ट्रांसपोजिशन से हम इसको इसके साथ ले आए, तो इसके साथ लाने पर यहां हो गया माइनस था प्लस हो गया वाई की पावर माइनस टू, और जब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई इसमें से कॉमन लिया y की पावर माइनस टू, इसको हम वन अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू टू एक्स। अब अगले स्टेप में हमने डी डी एक्स ऑफ वाई इसको यहां लिखते हैं और वन प्लस वन अपॉन वाई टू लिख दिया हमने, और लिखने के बाद इज इक्वल टू टू एक्स, इज इक्वल टू टू एक्स हुआ, तो आप देखिए टू एक्स होने पर डी डी एक्स ऑफ वाई यहां वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू
इसका हम इसमें भाग दे देंगे, भाग देने के बाद ये हो जाएगा 2x के साथ y स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया 1 प्लस y स्क्वायर क्या सिद्ध। आप इसे समझ आ गया सब लोगों के भाई, किसी को कोई कंफ्यूज आ गया? तो अब यही हमें सिद्ध करना था। अब हम एक मिनट फुर्ती में, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, तो अब हम आपको एक मिनट हम अटेंडेंस लिए लगा देते हैं सबका। कौन जो है किस नाम से जुड़ा हुआ है? नंबर एक पर यहाँ श्रीयम मिश्रा। यस सर। ठीक है श्रीयम मिश्रा। दूसरे नंबर पर एम के नाम से कौन जुड़ा है भाई? एम के नाम से अपना नाम बताइए बेटा। कमल नयन। एन के नाम से? ठीक है। एन नहीं, नहीं एन के नाम से पूछा वो तो हमने कि एन के नाम से जो एन दिख रहा है इसमें शो हो रहा है एन में, बेटा नाम बताइए अपना जिसका एन उसके नाम से जो जुड़ा हुआ है। मृत्युंजय के नाम से जो है कमल नयन है, ठीक है ना? कमल नयन। एन वाले को भाई सुनाई नहीं दे रही बेटा आवाज क्या? आदित्य रावत। यस सर। ठीक है बेटा। इसके बाद पवन पाल। यस सर। अगला जो है वीरेंद्र सिंह। यस सर। वीरेंद्र के नाम से ही है भाई? हाँ सर। ठीक है। और इसमें अमित पाल। अमित पाल। आयुष गोस्वामी। यस सर। आयुष। यस सर। ठीक है। ध्रुव त्रिपाठी। यस सर। इसके बाद नमन कौशिक। यस सर। ठीक है बेटा नमन कौशिक। सौरभ राजपूत। यस सर। पवन पाल। हो गया। हाँ हो गया बेटा, सभी हो गए लगभग। अमित पाल हो ही गए। ठीक है, ठीक है बेटा, अब समय समाप्त होने वाला है। अब आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करिए। आज का होमवर्क यही है कि इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न बचे हैं उन्हें आप कर डालिए, फिर जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको नेक्स्ट डे आप पूछ डालिए, ठीक है ना? और कॉपी में व्यवस्थित करते चलिए, जिसके कारण अगले दिन जब हम कॉपी देखने को आप भी कहेंगे तो अपनी कॉपी लेके बैठिएगा और अपना जिसका नाम बोलेंगे वो अपनी कॉपी दिखाते चले जाएंगे कि भाई हमने ये प्रश्न इसमें जो पूरा एक्सरसाइज ये कर डाला है यहाँ से, ठीक है ना बच्चों? यस सर। ठीक है हम सर। हाँ तो हम पहले बता दें कॉपी लेके हम देखेंगे तो कहेंगे बेटा अपना अपना कॉपी दिखाना, ठीक है भाई? आज की क्लास आज का समय हो रहा है, ठीक, तो इसको कार्य को करते रहिए। ओके सर। ठीक है।